Assalamu alaikum, this is Saima's cooking secrets. Welcome back to my kitchen. आज मैं आपके लिए cottage cheese की रेसिपी लेकर आई हूँ. इसके लिए सिर्फ दो इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है. दूध, इसमें मैंने फुल फैट क्रीम मिल्क 2 लीटर लिया है और लेमन जूस मैंने लिया है तकरीबन 4 to 5 tablespoons है. ये दो बड़े लीमू लेकर उनको मैंने उनमें से जूस निकाल लिया है. चलें अब इसकी कुकिंग करते हैं. दूध को हम गरम होना रख देंगे. जब दूध बॉयल होने लगे तो इसमें लेमन जूस ऐड करना है. दूध उबलने लग गया, अब आपने फ्लेम जो है वो मीडियम कर देना है. मीडियम फ्लेम पे अब मैं इसमें लेमन जूस ऐड कर दूंगी और आहिस्ता आहिस्ता इसमें चम्मच चलाएंगे. ये देखें, मीडियम फ्लेम पे हम आहिस्ता आहिस्ता इसमें चम्मच चलाते गए तो ये हमारा ये पनीर अलहदा हो गया. अब इसको मैं छान लूँगी. अब मैं इसको छानने के लिए मैंने एक बारीक मलमल का कपड़ा ले लिया. स्टेनर के ऊपर मैं इसको बिछा दूँगी और इसमें दूध को छान लेंगे. इस तरह हम इसे इकट्ठा कर लेंगे. अच्छी तरह से इसको निचोड़ देना. ये इसका छना हुआ जो पानी है ये भी आप ज़ाया ना करें, इससे आप आटा गूंद लें, बड़े अच्छे नान तैयार होते हैं. थोड़े ठंडे पानी से हम इसको धो लेंगे ताकि इसमें से खटाई जो है वो अच्छी तरह निकल जाए. साफ़ पानी एक दफ़ा गुजार देंगे और ये थोड़ा ठंडा भी हो जाएगा ताकि हम इसको अच्छी तरह से निचोड़ लें. ये अब अच्छे से छन गया. अब मैं इसको किसी वेट के नीचे रख 1 से 1.5 घंटे के लिए रख दूंगी ताकि ये अच्छी तरह निचड़ भी जाए और सेट भी हो जाए. अब मैं इसको स्टेनर में रख के और ऊपर कोई इसके ऐसे प्लेट उल्टी दे दें और ऊपर ये कोई ना कोई वजनी चीज़ रख दें, उससे ये है कि ये अच्छे से नुचड़ भी जाएगा और सेट भी हो जाएगा. अब हम तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए इस तरह रखेंगे. 1.5 आवर हो गया. अब मैं खोल के दिखाती हूँ आपको कितना अच्छा, ये देखें कितना अच्छा कॉटेज चीज़ बनकर रेडी है. इसको निकाल के डिश आउट कर लेती हूँ. कॉटेज चीज़ बनकर देखें बेहतरीन तैयार हो गया है. अब आप इससे वैसे खाने में भी बहुत मज़े का होता है और अगर चाहें तो आप पनीर के पकौड़े भी बना सकते हैं, पालक पनीर बना सकते हैं, मटर पनीर बना सकते हैं. इस तरह की काफ़ी डिशेस बन सकती हैं पनीर से. उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी. अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे फीडबैक ज़रूर दें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी. दुआओं में याद रखें. अल्लाह हाफिज़.